थोड़ा सा आज इमोशनल हूं। क्यों इमोशनल हूं पता नहीं, लेकिन त्योहार में अक्सर इमोशनल हो जाता हूं। होली का माहौल है तो पहले सबसे पहले होली की शुभकामनाएं स्वीकार करें आप सबको, बहुत सारी होली की बधाइयां, बढ़िया से होली खेलिए, मस्त रहिए, गुजिया खाइए, पापड़ चबाइए। यादों की पोटली आज मैंने खोली है और एक नया किस्सा गढ़ूंगा शेयर बाजार की किस्सा गोई में। आज बात होगी कि मैं भी कभी आपकी तरह भोला भाला सीधा साधा नया रणबांकुरा था, बिल्कुल नया कोरा। वीडियो पूरा देखते रहिएगा, मजा आने वाला है। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। शेयर बाजार की किस्सा गोई में आज बात होगी कि मैं भी एक नया रणबांकुरा था। कहानी में बीच से शुरू करता हूं, सन 2004 के आसपास से बात शुरू होगी। इसके पहले मैं ये बता दूं कि मेरे गुरुजी अब नहीं रहे, कई गुरुओं का साथ रहा, लेकिन जो मेरे मुख्य गुरु थे जिनको मैंने 1 करोड़ की, आज के समय से 1 करोड़ की गुरु दक्षिणा दी है, वो रहे नहीं कोरोना काल में, तो उनकी विस्तृत चर्चा किसी और वीडियो में करूंगा। लेकिन उन्होंने मुझे जीवन का हर हुनर सिखाया है, लॉटरी खेलने से लेके और जीवन जीने के सारे कर्तव्य सिखाए थे, सारे तिया पांचा वो करते थे और मुझे सिखाए थे। ये अलग बात है कि जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो मैंने ले ली, सारी सारी गही रहे वाली बात थी तो सार सार ले लिया था, थोथा दे उड़ाए वाली बात थी। अब 2004 की बात आपको क्या बताऊं, और ट्रेडिंग का एक ऑफिस होता था, सब लोग वहीं आते थे, कुछ पुराने अंकल थे, पोपली अंकल थे, पहले भी बता चुका हूं, पोपली अंकल का भी एक अलग वीडियो किससे रहेंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा बता दूं, पोपली अंकल थे, महेश चाचा थे, फूफा जी हुआ करते थे हमारे ससुराल पक्ष के, वो भी बैठते थे, वकील साहब थे, और कुछ लोग बनिया लोग थे, मतलब गुप्ताज थे, वो नएगंज के थे, वो भी आते थे झोला लेके, काम होता रहता था, और मैं भी जाता था, बैठा रहता था, सबके पास थोड़ी थोड़ी देर बैठता था, बिल्कुल नया रणबांकुरा था। जैसे आप लोग आजकल पूछते हैं ना, और बहुत सारे YouTube देखते हैं आप, और पूछते हैं सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, या तमाम आपकी उत्सुकताएं रहती हैं, तो मेरी भी रहती थी, थोड़ी देर पोपली अंकल के पास बैठा रहता था, उनका मन होता था, मूड होता था तो कुछ बता देते थे, नहीं मैं बैठा रहता था। महेश चाचा से थोड़ा मुंह लगा था, महेश चाचा बातें करते, तो महेश चाचा कहते थे कि ये देखो सामने टीवी पे पट्टी चल रही है, इसको देखते रहो, मैं देखता रहता था ऐसे। और BEML जब आए तो बताना जी, और HDFC आए तो बताना जी, और ग्रेसिम आए तो जरूर बताना जी। अब मैं पट्टी देख रहा हूं, टीवी में ऊपर लगी है, देख रहा हूं पट्टी चल रही है। पहले वो CNBC TV18 आया था उस समय, और CNBC आवाज भी आ गया था 2005-06 में, तो ये 2004 से 2005-06 की बात है। अब देख रहा हूं चाचा आ गया, 1012 चल रहा है BEML, अच्छा ठीक है फिर देखते रहना। अब 2 मिनट बाद वो पट्टी आती थी, एक शेयर जब गुजर जाता था 2 मिनट बाद 1 मिनट बाद आता था, और उस बीच अगर कहीं बातचीत कर रहे हैं या कहीं और ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी और को तो पट्टी फिर निकल जाती थी। तो जैसे आप YouTube देखते हैं ऐसे मैं उस समय आदमियों को देखता परखता था कि यार ये अंकल कैसे काम कर रहे हैं, ये अंकल कैसे काम कर रहे हैं, ये अंकल कैसे काम कर रहे हैं, और नया नया था तो चुपचाप बैठा रहता था, क्योंकि ऑनलाइन का सिस्टम शुरू हुआ था तो बैठे रहते थे, सिस्टम के दूर बैठते थे थोड़ा सा। सिस्टम पे डीलर थे अमित वाजपेयी, अब अमित जी का टेलर इतना था कि बहुत तेज डीलर था, मतलब एक साथ कई लोगों के सौदे कर देता था, 5 HDFC आया ये रेट, 5 रिलायंस आया रेट, 5 ITC आया ये रेट, इस तरह से वो अपना टाटा ये रेट आया, और उस समय JP हाइड्रो और RNL और रिलायंस और तमाम चीजें चलती थी, सबके रेट बताता, यूनिटेक ये रेट आया है ना, सबके रेट बताता चल रहा है, और बहुत बिजी रहता था तो बड़ा डर लगता था उससे सौदे लगवाने में, तो कभी कभी हम पूछ लेते थे अमित वो ITC क्या बात, रुको यार अभी हड़का देता था, बैठे रहते थे, फिर वो ITC का रेट बता देते, हाँ 150 चल रहा है, 151 कलिवाल और 152 का बिकवाल, ओके बैठे। अब फिर टीवी देखने लगते थे कि ITC का रेट कब आएगा, देख रहे हैं
आईटीसी का रेट आया। ये वही अमित हैं जो बाद में हमारे बहुत अच्छे दोस्त हुए, लेकिन उस समय डरे बैठे रहते थे, टिफिन इफिन बांध के ले जाते थे, बाकायदा बाइक से जाते थे। पहले तो हीरो पुक थी, चाचा की ससुराल से मिली थी, मांग ली थी हमने। चाचा की नई नई शादी हुई, सब लोग कहे क्या लोग क्या लोग, सब लोग अपना बातचीत हुई थी। हमने कहा नाना जी हमको एक हीरो पुक चाहिए, आ गई थी हीरो पुक से चलते थे, पेट्रोल इधर उधर से जुगाड़ कर लेते थे 50-100 रुपए, चले जा रहे हैं उसी से, स्टैंड पे लगा दी 2-5 रुपए में, टिफिन लेके पहुंच गया ऑफिस, बैठे दिन भर, शायद कुछ काम हो जाए, कोई काम नहीं होता था। 4-5-6-10-20 दिन तो ऐसे जाते थे आ जाते थे, कुछ होता ही नहीं था, मारे डर के कुछ खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं, तो मैं भी आप जैसा ही रणबांकुरा था। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। ब्रूसली भी कहता था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मेरे जीवन में तो ये चीज बहुत चरितार्थ हुई। अरे मैं हाई स्कूल में था या फर्स्ट ईयर में था या और छोटा था, 6th-7th में था या 8th में था, एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन बहुत छोटा था। यही कानपुर से पिताजी स्केट्स खरीद के ले गए थे, 8 घंटे में एक ही दिन में स्केटिंग सीखी थी मैंने, और 100-200 बार तो गिरा हूंगा, लेकिन तब चोट नहीं लगती थी, या लगती भी होगी तो पता नहीं लगता था, बचपन था, खिलवाड़ खिलवाड़ में निकल जाती थी बातें। तो प्रैक्टिस करने से तो बात बनती है। वहीं से बागवानी का शौक लगा था, जो टमाटर आप देखते हैं मेरे स्टेटस पे, तो ये मैं अपने गमलों में ही लगाता हूँ, शौक है मुझे, मेहनत करने का शुरू से शौक रहा, कभी पीछे नहीं हटा, और सीखने का हमेशा प्रयास किया छोटे बड़े सबसे। अब आजकल तो YouTube में किसी की बात नहीं पसंद आती तो ट्रोल कर देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, तब ऐसा नहीं था, बराबर बैठा रहता था, किसी से कुछ सीखने को मिल जाए, महेश चाचा कुछ सिखा दे, पोपली अंकल कुछ सिखा दे, पोपली अंकल का भी बहुत प्यारा शागिर्द हो गया था बाद में, लेकिन समय देना पड़ता है। देखो यार, गुरु के पास समय देना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, तब गुरु का जब मन होता है तब वो सिखाना शुरू करता है। ये उसके मूड पे निर्भर करता है, चेले के मूड पे नहीं चलेगा, चेले का नहीं चलेगा मनमानी, गुरु चाहेगा तो चेला हो जाएगा ज्ञानी। तो भैया बड़ा आशीर्वाद है इन सब लोगों का, और मेरे सारे गुरु लगभग स्वर्गवासी हो गए, परमात्मा उनको भी होली की शुभकामनाएं। क्यों बता रहा हूं ये सब, क्या कारण है, कोई टिप विप तो है नहीं, लेकिन सुनो यार, बड़े ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी है। इतनी जल्दी जो विचलित हो जाते हो, मार्केट गिरता है भड़बड़ा जाते हो, मार्केट बढ़ता है तो जोश से भर जाते हो, अति उत्साहित हो जाते हो, ठीक है सब अच्छा है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारे लॉस भुगते हैं, बहुत सारे प्रॉफिट किए हैं, बहुत सारी चीजें जल्दी बेच दी हैं, बहुत सारी चीजें नहीं बेची तो लॉस हो गया क्योंकि शेयर गिर गया, सबके साथ होता है, कोई नई चीज नहीं हो रही है। तो वो बोलता था ना पिक्चर में, कुछ ऐसी चीज बताओ जो मैं नहीं जानता हूं, इसको इंग्लिश में बोलता था, मैं हिंदी में बता दे रहा हूं। तो सारी चीजें घटित होती रही, दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, बैठे रहे, फिर अमित के पास हम जाकर पास एक सीट में बैठ जाते थे, अमित बैठा लेते थे, और डिस्टर्ब ना करो यार, हाथ ना वो करो, मतलब दोनों हाथ पे ऐसे काम करता था, अरे थोड़ा सा दूर बैठो, हाँ बैठे हैं, थोड़ी सी और वो बड़ी घनिष्ठता, यार वो आईटीसी क्या भाव चल रहा, मन हुआ अमित का बता दिए, नहीं तो नहीं बताए, रुक जाओ यार अभी सौदे कर रहे हैं, बैठे हैं, लगता था बहुत बिजी है अमित, और काम भी बहुत तेज करता था। नो डाउट, सौदा अगर बोल दिया गया है तो उसके हाथों से, उसके पंजों से निकल नहीं सकता, तो सौदा आ ही जाता था, बहुत तेज काम करता, बहुत तेज उसके हाथ चलते थे, चलते क्या थे, अभी है, चलते हैं। अब हमने कहा एक दिन यार आईटीसी चाहते तो लगा लेते स्क्रीन पे, क्योंकि जब होता क्या था, कुछ स्क्रीन पे उसके सारे शेयर सेट रहते थे, तो जब शेयर हम बोलते थे तो ढूंढ के कहीं से कुछ कीज होती थी, F5 F6, उससे निकालता था, या फिर वो उसके नीचे पेज अप पेज डाउन से वो लगे रहती थी पहले से स्क्रिप्ट, तो वहां देखता था। तो हमने कहा यार आईटीसी ना हो तो लगा लो स्क्रीन पे, तो हम देखते रहेंगे। तो उसने कहा लगा देते हैं, तो नीचे उसने लगा दिया, अब हम देख रहे हैं, अब भगवान, अब मन में क्या बोल रहे हैं, भगवान 1 रुपये पड़ जाए, 1 रुपये 100 रुपये हो जाए, 100 रुपये आज लेके जाएंगे,
160 चल रहा है तो 161 हो जाए, 154 चल रहा है तो 155 हो जाए, एक रुपए भगवान बस एक रुपए बढ़वा दो। बैठे हैं दिन भर, वो एक रुपए नहीं बढ़ता था, या तो सौदा खरीद जाता था या सौदा छोड़ना पड़ जाता था, क्योंकि उस समय हम इंट्राडे भी करते थे, तो इंट्राडे के चक्कर में एक रुपए बैठे हैं, ना कोई फंडामेंटल से मतलब, ना किसी से मतलब, या टीवी में देख रहे हैं बीएमएल। अगर बीएमएल में हर बार पट्टी गुजर रही है, यही भारत अर्थ मूवर 1200 का होता था, तो वो 100 रुपए पता नहीं क्या था उसमें, हर हफ्ते वो 100 रुपए बढ़ जाता था, 100 रुपए घट जाता था। तो हमारे फूफा जी बता दिए थे इसको आनंद देखते रहना, 100 रुपए बढ़ जाए तो बस तुम्हारे 10 शेयर लिए तो 1000 रुपए चित्त हो जाएंगे। बैठे 10 शेयर खरीद के, कभी कभी हफ्तों बैठे रहते थे 100 रुपए नहीं बढ़ता था, कभी कभी खरीदते ही 100 रुपए 80 रुपए बढ़ जाता था। तो हमारी आदत शुरू से थी, 100 रुपए का इंतजार ही नहीं करते थे हम, 70 में बेच देते थे कि 700 मिले। तो फूफा जी कहते थे अरे रुक जाते, 1000 मिलते पूरे 100 रुपए ऊपर, अपना फूफा जी 700 ठीक है। तो बीएमएल में तो ये कोई फंडामेंटल आइडिया नहीं, कोई कंपनी की पढ़ाई नहीं, बस 10 रुपए वहां मिल जाए। आईटीसी में भगवान 100 रुपए बढ़वा दो, भगवान 100 रुपए बढ़वा दो। आईटीसी क्यों मुझे इतना प्यारा है, क्यों प्रेम करता हूं, जिंदगी का पहला शेयर आईटीसी था जब ऑनलाइन काम कर रहे थे, ऑफलाइन में मेरा पहला शेयर था एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 94 में खरीदा था, जब नाना जी पैसे देखे थे, हमने एक वीडियो बनाया पहला देख लीजिएगा, मेरा पहला शेयर एसबीआई, और सन 2000 में ऑफलाइन ही बेच दिया था, प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो आईटीसी हमने लिया तो 100 रुपए मिल जाते थे, फिर 150 मिलने लगे, 200 मिलने लगे, 100 रुपए के लिए बैठे रहते थे कि, और फिर मेरा 2008 तक इतना भी दिमाग खराब हो गया था कि मैं 100-200 रुपए फिर लेता नहीं था, मैं कहता था त्रिपाठी जी 500 रुपए लेंगे, ये अहंकार है। अब वो अहंकार मेरा 2008 के पहले ही तोड़ दिया गया था, 2007 में जब हम त्रिवेणी इंजीनियरिंग के फ्यूचर में फंसे थे, वो वाला वीडियो भी है देख लीजिएगा, तो फ्यूचर करने लगे थे, बड़के वाले खिलाड़ी हो गए थे, डरते डरते नहीं थे, डीलर जो सुशील सुशील था उसको कहते बैठो यार तुम, दादा अरे बैठो तुम दादा, हमको मालूम है कैसे काम करना है। और जब फंस गए थे दादा एक बार, तो वो वीडियो देख लो फिर कैसा कलेजा आधा हो गया था दादा का। तो आईटीसी में मतलब 100 शेयर ले लिए, 200 शेयर ले लिए, 200-400 रुपए कमा लिए, यही सिलसिला चलता रहा 1-1.5-2 साल तक। क्यों बता रहा हूं, शेयर बाजार में आए हो तो पैसा कमाने से पहले शेयर बाजार को समझो, अपनी स्थिति को समझो कि तुम काम कर सकते हो कि नहीं। कभी कभी लोग आ तो जाते हैं दूसरे का प्रॉफिट देखकर, लेकिन खुद वो काम नहीं कर सकते, ये उन्हें तब पता चलता है जब उनके 150,000 का चूना लग जाता है शेयर मार्केट में, तब समझ में आता है। दूसरा ऑप्शन से बहुत पैसे आजकल कमा रहा है, आप कमाने जाएंगे आपके 50,000 लग जाएंगे, तब आपको समझ में आता है यार कुछ गड़बड़ है, ये कुछ दूसरे तरीके से कमाता है, या तो दूसरे तरीके से कमाता है या वो घाटा करता है आपको बताता नहीं है। ऑप्शन में घाटा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई माइकल लाल पैदा ही नहीं हुआ आज तक जिसको घाटा ना हो गया ऑप्शन फ्यूचर में, झूठ बोलते हैं। इवन या पोजिशनल ट्रेड में तो घाटे हो जाते हैं यार, संभाले नहीं संभलती स्थिति, 2-3 साल तक शेयर रखने पड़ते हैं और पता लगा थक हार के बेच देता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, लोग बेच गए तभी 2 दिन से तेजी है, कुछ शेयर बिक गए लोगों के तभी ये निफ्टी भागी है और मार्च में मार्केट भाग रहा है। तो अपने भीतर को टटोलो और ये देखो कि यार शेयर मार्केट के लिए ही बने हो, क्या शेयर मार्केट से ही पैसा कमाओगे या किसी और चीज में बहुत परफेक्ट थे वहां जाना चाहिए था, दूसरों के कॉपी करते हुए यहां आ गए हो कि यार वो लोग कमा रहे तो हम भी आके देखें हाथ आजमाए, नो देख लो, या फिर 1-1.5-2 साल समय भी दे लो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। सीधे काम कर सकते हो इक्विटी में, बहुत अच्छा है, नहीं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ। अभी मेरा कंटिन्यूटी में देखिएगा, होली का ये उत्सव चल रहा है 2-3 दिन 4 दिन का, तो हो सकता मैं वीडियो लाता रहूंगा, तो एक सीरीज भी शायद शुरू करूं कि बाजार को समझना मुश्किल और पैसा कमाना आसान है, तो उसमें कुछ बता दूंगा। तो 150,000 रुपए भी हैं तो ऐसा नहीं है कि शेयर्स में पैसे नहीं कमा सकते, बिल्कुल कमा सकते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कमा सकते हैं कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए यहां आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, इसको निश्चित तौर पर समझ लीजिए। किसी की भी सर्विस ज्वाइन कर लीजिए, किसी की भी टिप ले लीजिए, किसी का भी वेबिनार कोर्स कुछ भी कर लीजिए, जब तक आप शेयर बाजार में समय नहीं देंगे और खुद अपने हाथ नहीं जलाएंगे, हाथ जलाने से मतलब है जब तक पानी की गहराई नापने आप खुद नहीं उतरेंगे,
जब तक शेयर ट्रेडिंग नहीं करेंगे एक्चुअली, पेपर ट्रेडिंग तो खूब होती है, उसमें पैसे भी आ जाते हैं पेपर ट्रेड में, जब सही मायने में अखाड़े में उतरते हैं तब पता लगता है कि कुश्ती का दांव कितना मुश्किल है, बाजार कौन सा दांव लगा दे और चारों खाने चित्त कर दे। तो थोड़ा सा मेहनत पड़ती है, लेकिन एक बार मेहनत कर ली, एक बार धूप में पसीना निकाल लिया, एक बार पूरा बदन काला हो गया तो समझो जीत गए जंग, हड्डी हड्डी मजबूत हो जाएगी। धूप में बैठने को कहता है डॉक्टर, हड्डी मजबूत तो होती लेकिन रंग काला हो जाता है स्किन का, लेकिन फिर मजबूत हो जाता है, रंग भी थोड़े दिन बाद गोरा हो जाता है। हम तो बैठे हैं कई बार काले हो जाते थे, गोरे हो जाते हैं। हिम्मत इसलिए बढ़ा रहा हूं कि आज आप मुझको यूट्यूब पे देख रहे हैं, परमात्मा की बड़ी कृपा है, बड़े अच्छे ट्रेड में कर लेता हूं। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करते रहो, यूट्यूब पर फॉलो करते रहो, अगर वास्तव में शेयर बाजार में कुछ सीखना है, बस 2 साल अगर चुपचाप फॉलो करते रहोगे तो समझ जाओगे। लेकिन ये चीज मैं अगर आज बोल रहा हूं फॉलो करते रहो, तो मैंने बहुत साल बहुत लोगों को फॉलो किया है और करीब 20 साल लग गए, 28 साल 94 से हूं एक्टिव ट्रेडर, 2004-06 से स्टार्ट हो गया था काम बढ़िया, तो समय दिया है यार, तब आज यहां पहुंचे, तब आज आप हमको सुन रहे हैं। लेकिन हिम्मत इसलिए बढ़ा रहा हूं आपकी कि यार सुन रहे हैं तो कल तुमको भी कोई ना कोई सुनेगा, बस समय दो, रियाज करो, रियाज करोगे तो अपने आप बॉडी बन जाएगी, है ना। तो यहां पर रियाज करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाजार में बिल्कुल पैसे बनेंगे लेकिन बहुत धीरज से बनेंगे, कोई जल्दीबाजी में पैसे नहीं बनेंगे, किसी को पैसे दे दोगे तो भी नहीं बनेंगे। मैं तो कई लर्निंग ग्रुप चलाता हूं जिसमें मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूं, सिर्फ अपने ट्रेड शेयर करता हूं, लर्निंग ग्रुप में तो अपने ट्रेड शेयर करता हूं और उसके साथ शेयरिंग के साथ मैं टेलीग्राम पे बराबर कमेंट्री देता रहता हूं, लगभग रिलेटेड टू वो शेयर्स या मतलब बाजार का मनोविज्ञान बताता रहता हूं। तो उसको ही अगर आप सुनते रहेंगे समझते रहेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बाजार काम कैसे करता है। और बाजार बहुत ही गंदे तरीके से काम करता है, बहुत मतलब निर्दयी जानवर है, ये जान ले लेता है सबकी, सबकी खाल उतारता है। यहां पर आप मतलब ये कोई मर्सी की संभावना नहीं है, कोई करुणा दया नहीं मिलेगी बाजार की तरफ से, कोई सहूलियत नहीं मिलेगी। आप में अगर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं, आप में वो इंसाइट डेवलप हो गई है, जैसे इतने दिन काम करते करते एक इंसाइट डेवलप हो गई है मेरे में, तो वो तुरंत पता चल जाता है कि शेयर क्या करने वाला है, वो आप में भी डेवलप हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बार हो गई तो मछली मारना आ गया, अमरूद के पेड़ पर चढ़ना आ गया, फिर तो अमरूद खाओ मछली खाओ, क्या दिक्कत है। आशा करता हूं ये वीडियो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर 150,000 रुपए हैं और कोई एक दो शेयर हमारे दोस्त हैं तो पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। समय देना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन तकड़ा होना चाहिए, बराबर वही साक्षी भाव से देखना है, 90% 10% काम करना है। वीडियो में कही गई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा और यार सब्सक्राइब जरूर कर दो यार चैनल, हमारा उत्साह वहीं से बढ़ता है जब सब्सक्रिप्शन आते हैं, लाइकिंग आती है, अच्छे कमेंट आते हैं। खराब कमेंट भी कर सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं, लेकिन कमेंट करते रहो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, होली की खूब सारी शुभकामनाएं फिर से।